राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 1757 से 1947 190 वर्ष का काल का ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से लेकर ब्रिटिशर्स के जाने तक का स्वतंत्रता संग्राम का एक विलक्षण इतिहास, कमाल का इतिहास, शौर्य और वीरता के नए नए पृष्ठ लिखने वाला इतिहास। मैं उन नायक नायिकाओं को आपके सामने ला रहा हूं जिन्होंने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निशावर कर दिया, लेकिन उनका नाम इतिहास में कहीं भी नहीं। वो नायक नायिकाएं, वो क्रांतिवीर वीरांगनाएं, वो देशभक्त, वो सपूत सपुत्रियां भारत माँ की, जो इस 190 वर्ष के कालखंड में निष्काम, निस्वार्थ और कमाल का इतिहास रच गए, लेकिन वो इतिहास का हिस्सा नहीं बनने दिए गए। और हमें बताया गया कि आज़ादी नेहरू गांधी ने लेके दी है, इससे बड़ा क्रूर मजाक कोई और नहीं हो नहीं सकता। ये मैं समय समय पर इसके बारे में आपको बताता रहता हूँ, लेकिन वो अज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात, ऐसे हजारों क्रांतिकारी मैं आपके सामने ला रहा हूँ। 633 वीडियोज आप तक इसके संबंध में पहुँचा चुका हूँ। आज उसी अल्पज्ञात नायक नायिकाओं की एक लंबी पंक्ति के साथ, श्रृंखला के साथ, दो नाम मैं और जोड़ रहा हूं। श्री रतन सिंह, चलिए देखते हैं ये क्या थे, कौन थे और क्या कर रहे थे भारत माँ की आजादी के लिए। बब्बर अकाली दल के क्रांतिकारियों का एक जत्था ट्रेन द्वारा किसी अन्य जेल में स्थानांतरित किया जा रहा था। इस जत्थे में क्रांतिकारी थे, उनकी संख्या 11 थी, 11 क्रांतिकारी थे। उनका नेता रतन सिंह था। ये क्रांतिकारी 11 के 11 पुलिस पार्टी की निगरानी में ले जाए जा रहे थे। क्रांतिकारियों को जेल ले जाने वाली ट्रेन जब बठिंडा पहुंची, बठिंडा ये आज के पंजाब का एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहां का जो किला है, फोर्ट जो है, बहुत प्राचीन है और बड़ा कमाल का है, उसका नाम है इतिहास के अंदर उस किले का। जो अब ये जब ये ट्रेन बठिंडा पहुंची तो क्रांतिकारियों ने पुलिस के साथ विधिवत युद्ध आरंभ कर दिया। बाकायदा पुलिस वालों की संख्या केवल 5 थी। वे सब निश्चिंत इसलिए थे कि क्रांतिकारियों के हाथ में हथकड़ियां पड़ी हुई थी, पुलिस वालों के पास बंदूकें भी थी, ये क्या कर लेंगे भाई। जिस डिब्बे में वे लोग बैठे हुए थे उसमें नागरिक यात्री भी थे। जब पुलिस और क्रांतिकारियों के बीच में युद्ध आरंभ हो गया तो नागरिकों की सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ रही, बल्कि इतिहास के दूसरे पृष्ठ भी है, मैं कई बार बता चुका हूँ। गांव वालों ने क्रांतिकारियों को पकड़ाया, ये भी मैंने कई उदाहरण आपके सामने रखे हैं। पर यहाँ नागरिकों की ट्रेन के डिब्बे में बैठे हुए उनकी सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ थी। इस कारण नागरिक यात्रियों ने पुलिस पार्टी की सहायता नहीं की। पुलिस वाले डिब्बे
के अंदर गोलियां भी नहीं चला सकते थे क्योंकि नागरिक बैठे हुए थे। संघर्ष का परिणाम ये निकला कि पुलिस हेड कांस्टेबल मारा गया इस संघर्ष में। क्रांतिकारी पुलिस वालों की बंदूकें छीन कर भाग गए। पुलिस ने सरगर्मी के साथ क्रांतिकारियों की तलाश प्रारंभ कर दी। रतन सिंह की गिरफ्तारी के लिए 3,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित कर दिया गया। 15 जुलाई 1932 को रतन सिंह होशियारपुर के रुड़की ग्राम में एक झोंपड़ी में बैठा हुआ था। एक किसी मुखबिर ने उसकी उपस्थिति की सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने झोंपड़ी को घेर लिया और शाम के समय विधिवत युद्ध आरंभ हो गया पुलिस और एक के बीच में। एक तरफ अकेला रतन सिंह था और दूसरी तरफ गांव पुलिस और गांव वालों का भारी दल। उन्होंने गांव वालों को, पुलिस वालों ने बताया कि एक डाकू आपके गांव में इस झोंपड़ी के अंदर बैठा हुआ है, हमने इसलिए घेरा है, आप हमारा साथ दो, इसने सरकारी खजाना लूटा है वगैरह वगैरह, कुछ भी कह करके डाकू है। और गांव के भोले लोगों ने पुलिस की सहायता की। एक तरफ रतन सिंह, दूसरी तरफ पुलिस और गांव वालों का भारी दल। रतन सिंह ने अपने अचूक निशाने से चार शत्रुओं को, पुलिस वालों को अपने अचूक निशाने से मार गिराया। आखिर उसको भी एक गोली लगी और वो भी वहीं पर वीरगति प्राप्त हो गया। समर्पण करने के स्थान पर उसने मृत्यु का चुनाव करना श्रेयस्कर समझा। ऐसे थे वीर रतन सिंह, क्रांतिकारी रतन सिंह। चलिए एक नाम और आगे जोड़ते हैं, ऐसे ही अज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात, श्री राजकुमार दुसाद। श्री राजकुमार दुसाद, वैसे तो कई उदाहरण मिलते हैं कि बहुत कम उम्र के बालकों ने स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान दिए हैं, लेकिन ऐसे उदाहरण दुर्लभ है कि बहुत अधिक वृद्ध लोगों ने अपने जीवन की आहुतियां दी हों, लेकिन श्री राजकुमार दुसाद का उदाहरण ऐसा एक बिरला उदाहरण है। 90 वर्ष की अवस्था में राजकुमार दुसाद ने बलिया जेल में बलिदान का चुनाव किया। राजकुमार दुसाद बलिया जिले के सिसोत्तर ग्राम के निवासी थे। अपने जीवन के अंतिम चरण में राजकुमार दुसाद ने सन 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, सन 1942 में, और जेल जीवन के साथ एकरस हो गए थे, एकाकार हो गए थे। सारी उम्र वो जेल जाना आना उनका लगा रहता था। इसी जेल जीवन में 90 वर्ष की आयु में बलिया की जेल में उनका प्राणांत हुआ। राजकुमार दुसाद का जन्म सन 1853 के लगभग हुआ था। उनके पिता का नाम श्री राम वृक्ष दुसाद था। आज मैंने दो क्रांतिकारियों को आपके सामने लाने का प्रयास किया। कितने लोग थे
अरे फांसी के तख्तों पर झूल रहे थे, जेलों की लंबी कठोर यातनाएं सहन करते हुए दम तोड़ रहे थे, काला पानी सेलुलर जेल अंडमान के घोर नार किए जेलों के अंदर वही मर खप रहे थे। 90% लोग तो वापस ही नहीं आए। गांव के गांव जलाए जा रहे थे, निर्दोष निहत्थे लोगों पर गोलियां चल रही थी। क्या नहीं हो रहा था? और देश की आजादी हमें कहा गया कि चरखे ने लेके दी है, और सत्याग्रह ने लेके दी है, नेहरू और गांधी ने लेके दी है। इससे बड़ा मजाक? कुर्बानियां ये दे रहे थे, बलिदान ये हो रहे थे, नाम नेहरू और गांधी का जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई, जिनकी जेलों में सब प्रकार की सुविधाएं थी, भरपूर सुविधाएं थी, सेक्रेटरीज मिले हुए थे, खेल का प्रबंध था, पेन कॉपी मिला हुआ था लिखने के लिए, कब जेल जाना है और कब जेल के बाहर जाना है ये सब तय होता था। ऐसे सब पृष्ठ में आपका आपके सामने समय समय पर लाता रहता हूं। इन देशभक्तों को इतिहास का हिस्सा ना बनने देना, इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? और चूंकि हमने पढ़ा नहीं, हमें पता नहीं, इसलिए हम उनके बारे में कुछ जानते नहीं। जो कौम, जो समाज अपने पूर्वजों को, पुरखों को, उनके बलिदानों को, कुर्बानियों को, उनके कार्यों को, उनके त्याग और तपस्या को, उनके शौर्य और वीरता को नहीं जानते, तो किनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ेंगे? किनसे प्रेरणा लेके वो आगे बढ़ेंगे? तो लगभग 3 वर्षों से मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी 190 वर्ष का भी देते देते हो, लगता है 900 हजार क्रांतिकारी तो इसी काल के मैं आपके सामने लाऊंगा। नहीं नहीं हजार नहीं, 1500 से ऊपर मैं दे चुका हूँ, 1500 से ऊपर 2000 क्रांतिकारी इस काल के हो जाएंगे आपके पास, केवल 190 वर्ष का। और जब मैं राजा सिंध के राजा से लेकर, और वीर अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सिंध के राजा दाहिर और नेताजी सुभाष चंद्र के बीच का जो कालखंड है, इस पूरे कालखंड का लगभग 1200 वर्षों का, और इस कालखंड के उन वीरों का, वीरांगनाओं का मैं आपके सामने जब वर्णन करूंगा, तो ये एक लंबा सिलसिला मैंने शुरू किया है, अभी तक आपके सामने आ रहा हूँ। और इसी के साथ एक फेसबुक में संपूर्ण क्रांति पेज पर के नाम से एक पेज है, उसमें सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह विज्ञान की कसौटी पर 10-12 दे चुका हूँ, उसकी भी 200-250 अलग से वीडियोज आप तक पहुँचाऊँगा। अरे हम अपने धर्म के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपनी उस विरासत के बारे में जो विश्व गुरु के स्थान पर रही, हमको नहीं जानना है क्या? मैं कोशिश करूंगा कि उसके माध्यम से वो करूं, और क्रांतिकारियों को, देशभक्तों को, शौर्य और वीरता के नए नए पृष्ठ लिखने वालों को भी समय समय पर मैं आपके सामने लाता रहूं। हाँ, मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।